हाई एवरी वन, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ पूनम राजपूत। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, अगेन होने वाली है मीशो हॉल, एंड मीशो में होने वाला है पार्टी वियर साड़ी हॉल। बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ी होने वाली है आज के हॉल में। वन बाय वन करके मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जिसमें होंगी सीक्वेंस वर्क साड़ी, डेली टू वियर साड़ी, सिंपल, मतलब मिक्सअप कलेक्शन होने वाला है आज का। एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। होप नहीं, आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारा कलेक्शन है आज का। सभी के कोड जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपको जो भी पसंद हो आप वहां से ले सकते हो। और अगर इन सब प्रोडक्ट को अगर आप मुझसे रिसेलिंग प्राइस में, मीशो से भी कम प्राइस में खरीदना चाहते हो, तो यहां पे मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी। आपको यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। और जो भी मैं प्रोडक्ट डालूँ उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे वहाँ पे देना है। आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो मैं वहाँ पे बता दूँगी। एंड जो प्राइस होगा मेरा रिसेलिंग प्राइस, वो भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। एंड जो मीशो प्राइस होगा वो भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। सभी के कोड मीशो कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अगर आप मीशो से लेना चाहते हो। अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं अपनी फर्स्ट साड़ी, जो बहुत ज़्यादा प्यारी रिसीव हुई है, जो है डार्क ग्रीन कलर, यानी जो काही कलर होता है उस कलर में है, जॉर्जेट क्लॉथ में, सीक्वेंस वर्क में है। बहुत प्यारी है, सीक्वेंस वर्क बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो इस साड़ी को मैं भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये साड़ी मैंने पहले भी ऑर्डर करी थी, लेकिन जिस सेलर से ऑर्डर करी थी उसने कुछ और ही भेज दिया था, लेकिन इन सेलर से जब मैंने ऑर्डर करी तो इन्होंने सेम पीस भेजा है। तो सेलर का ध्यान आप हमेशा रखिए, क्योंकि सेम ही साड़ी मैंने दूसरे सेलर से ऑर्डर करी, उन्होंने कुछ और भेजा एंड इन्होंने सेम साड़ी भेजी। तो ऐसा नहीं है कि सेम नहीं आती, सेलर का चेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये साड़ी आप देखो बहुत ज़्यादा प्यारी है, डार्क ग्रीन कलर में ये साड़ी है एंड इसका जो ब्लाउज़ है रेड कलर में है। तो आप देखो कितनी प्यारी ये साड़ी लगने वाली है, रेड एंड ग्रीन का बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन आने वाला है। क्लॉथ है इस साड़ी का जॉर्जेट एंड पूरी ही साड़ी पे इस तरह से जिगजिग करके सीक्वेंस वर्क मिलेगा। आप देखो कितना प्यारा लग रहा है एंड सीक्वेंस की क्वालिटी आप देखो, जो सीक्वेंस होता है ना बहुत छोटा वाला, वो वाला सीक्वेंस है, छोटा वाला सीक्वेंस बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से जिगजिग करके गोल्डन कलर के सीक्वेंस से वर्क किया गया है, जो बहुत प्यारा लग रहा है। ओवरऑल साड़ी पे आपको इसी तरह का वर्क मिलेगा, बहुत ही प्यारा है, बहुत ज़्यादा भी प्यारा। आप देखो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ है, जल्दी से निकलने वाला नहीं है, कहीं भी अनफिनिशिंग नहीं है, बहुत ही प्यारी लग रही है साड़ी। ओवरऑल साड़ी पे आपको इसी तरह का वर्क मिल जाएगा ऊपर से नीचे तक, एंड जो है इधर से अंदर का जो पोर्शन होगा वो लगभग एक मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है जो आपको मिलेगा, प्लेन जो अंदर आ जाएगा। बाकी पूरी साड़ी पे इस तरह का सीक्वेंस वर्क मिलेगा एंड किनारी पे मिलेगी पाइपिंग। आप देखो इस तरह की सेम कलर की, सेम बॉर्डर की पाइपिंग लगी हुई है। तो बहुत ही प्यारी साड़ी लग रही है, लुक वाइज बहुत अच्छी है, क्लॉथ बहुत अच्छा है एंड सीक्वेंस वर्क बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ है। लुक बहुत अच्छा आएगा जब ये रेड ब्लाउज़ के साथ पहनी जाएगी, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ब्लाउज़ है 80 सेंटीमीटर का एंड जो लोग कहते हैं ना छोटा ब्लाउज़ आता है, तो आप देखो मैं नाप के दिखा रही हूँ, ये 80 सेंटीमीटर यहाँ तक हो जाता है, ये 80 सेंटीमीटर से भी थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ तक, ऐसे करके अगर आप नापते हो ना तो ये 1 मीटर होता है यहाँ तक। तो आप देखो ये 90 सेंटीमीटर का ब्लाउज़ पीस दिया हुआ है इसमें, जिससे आपका ब्लाउज़ ईजिली बन जाएगा। ओके ब्लाउज़ है, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, बीच वाला पीस है, सिल्क में है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, अगर आपको पसंद आती है तो। कोड इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट पीस है हमारा रेडी टू वियर साड़ी, समर के अकॉर्डिंग बहुत प्यारे से कलर में है, बहुत प्यारी लग रही है। पैकेजिंग आप देखो बहुत अच्छी है, इस तरह से आप बाद में भी रख सकते हो उसको। अब हम देखते हैं साड़ी जो है रेडी टू वियर। तो साड़ी की अगर ब्लाउज़ भी स्टिच्ड है, फुल स्टिच ब्लाउज है एंड फुल स्टिच साड़ी है, तो सबसे पहले मैं ब्लाउज़ की बात करूँगी। ब्लाउज़ आप देखो कुछ इस तरह का है, ऊपर से नेट में है, नीचे से इस तरह के क्लॉथ है। क्लॉथ ये बहुत सॉफ्ट वाला है एंड आप देखो इसमें अंदर से ये डिज़ाइनिंग है इस तरह का, तो बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज़ बनाया हुआ है। ये इसका फ्रंट और ये बैक सेम है, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है, और इस तरह से ही नीचे तक ब्लाउज़ है, बहुत ही प्यारा है। और साइड में आई थिंक, हाँ साइड में जिप दी हुई है, जिससे आप इजीली पहन सकते हो। पैडेड ब्लाउज़ है और एंड स्लीव्स के लिए बिल्कुल प्लेन क्लॉथ दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह का क्लॉथ दिया हुआ है, इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं है, इस तरह का प्लेन क्लॉथ दिया हुआ है, बिल्कुल प्लेन है ये क्लॉथ, कुछ भी नहीं है इसके उसमें, लेकिन आप स्लीव्स लगा सकते हो, इतना है कि स्लीव्स लगाने के लिए दिया हुआ है। तो ये है इसका ब्लाउज़, काफ़ी अच्छा है। अब साड़ी की हम बात करेंगे तो साड़ी है इस तरह की, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये है बेल्ट वाली साड़ी इस तरह की। बेल्ट में भी क्या है, ये पूरी स्टिच साड़ी है इस तरह से, आपको स्कर्ट की तरह पहनना है इस तरह से,
ये इस तरह से आप देखो ये, एंड इसका क्लॉथ अलग ही है, बहुत कंफर्टेबल सा क्लॉथ है। यहाँ पे इसकी प्लेट्स दी हुई हैं ये, तो आपने क्या करना है इस पे, यहाँ चेन दी हुई है साइड में, इस चेन को ओपन करना है, जैसे आप पेटीकोट पहनते हो उस तरह से पहनना है, स्कर्ट पहनते हो जिस तरह से, एंड साइड में लाके इसकी जिप को बंद कर लेना है, एंड ये हुक जो है वो ऐसे लगा लेना है जैसे पैंट पहनते हो ना आप, उस तरह से ये प्लेट्स बीच में आ जाएंगी ऐसे, और इस तरह से, और नीचे नीचे से ऊपर से ये शेप में आएगा, ये लाइक स्कर्ट की तरह लगेगी, नीचे आपको इस तरह से फ्लेयर मिलेगा, ये आप देखो इस तरह से यहाँ पे प्लेट्स डाली गई हैं और नीचे इस तरह से फ्लेयर मिलेगा। तो इसकी लेंथ मैं आपको ट्राई ऑन में बता दूंगी कितनी है, बाकी जो है फिर यहाँ से पल्लू जा रहा है, ये वाला पल्लू जो घूम के आएगा टर्न होगी, ये भी फुल्ली रेडी है, इस तरह से जाके आपको फुल रेडी ब्लाउज़ ये पल्लू मिल जाएगा, सॉरी पल्लू यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो साड़ी बहुत प्यारी है, कलर बहुत अच्छा है, कलर आई थिंक इसमें और नहीं है, लुक वाइज बहुत प्यारी है, समर के अकॉर्डिंग विंटर में भी आप पहन सकते हो, बहुत ही प्यारा सा कलर है, एंड क्लॉथ क्वालिटी बहुत अच्छी है, अंदर से ही बहुत सॉफ्ट क्लॉथ है ये, और अंदर से ही इसमें डिज़ाइनिंग है, ऊपर से कुछ भी डिज़ाइनिंग नहीं है। तो साड़ी बहुत प्यारी है, हाईली रिकमेंड है अगर आपको पसंद आए, सिर्फ इसकी लेंथ का प्रॉब्लम है, लेंथ मैं आप लोगों को बता दूंगी कितनी है। तो ये साड़ी भी हाईली रिकमेंड है, अगर आपको पसंद आए आप ज़रूर लीजिएगा। नेक्स्ट साड़ी हमारी ब्लैक कलर की है, अगेन बहुत प्यारी है, इस पिक में जितनी प्यारी थी उससे ज़्यादा ये मुझे रियल में प्यारी लगी, पिक में मुझे उतनी प्यारी ये नहीं लग रही थी, एंड मैम मुझे लगा था कि उस इस तरह की नहीं आएगी, बट ये रियल में अच्छी लगी साड़ी आने के बाद। तो जो है साड़ी कुछ इस तरह की है, आप देखो साड़ी पे जो है बॉर्डर किनारी पे जो है इस तरह का बॉर्डर मिलेगा, जो सिल्क का बॉर्डर लगाया गया है ऊपर हो रखे हैं गोल्डन कलर के सीक्वेंस वर्क से, पूरी साड़ी पे इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ है, ओवरऑल साड़ी पे इसी तरह का मिल जाएगा। साड़ी है जॉर्जेट क्लॉथ में, एंड साड़ी में जो है इस तरह के ब्लैक कलर का सीक्वेंस दिया हुआ है, पूरी ही साड़ी पे इस तरह के ब्लैक कलर के सीक्वेंस की पट्टियाँ दी हुई हैं पूरी ही साड़ी पे इस तरह से, आप देखो ये साड़ी में इतना पोर्शन आपको मिलेगा प्लेन जो है आधा मीटर, लगभग आधा मीटर, एक मीटर से कुछ कम जो पोर्शन आपको प्लेन मिलेगा, बाकी प्लेट्स के पोर्शन पे हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा तक ये इस तरह से सीक्वेंस वर्क है, एंड नीचे इस तरह से बॉर्डर है, और बाकी पे सीक्वेंस वर्क है यहाँ तक, हाफ तक थोड़ा सा ऊपर छोड़ा हुआ है, ये हाफ साड़ी पर प्लेट्स तक आपको इस तरह का वर्क मिलेगा ये, एंड जो है पल्लू पोर्शन से ये जो है टर्न हो गया है, लाइनिंग इस तरह से हो गई है, पूरी साड़ी पे इस तरह का बॉर्डर है एंड लाइनिंग इस तरह से है, सीक्वेंस वर्क बहुत अच्छा है, एंड बॉर्डर बहुत प्यारा लग रहा है, पहनने के बाद ये साड़ी बहुत प्यारी लगेगी, पार्टी वियर साड़ी है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, तो ओवरऑल साड़ी पे इसी तरह का बॉर्डर है एंड इसी तरह की लाइनिंग है। तो जॉर्जेट क्लॉथ है इसका, काफ़ी अच्छा क्लॉथ है। अब बढ़ते हैं इसके ब्लाउज़ की तरफ, तो मैं ब्लाउज़ दिखाती हूँ आपको, जो है ब्लाउज़ है सीक्वेंस वर्क में, हैवी सीक्वेंस वर्क में ब्लाउज़ दिया गया है, जिस तरह का साड़ी पे वर्क है उसी तरह का ब्लाउज़ पे वर्क है, ब्लाउज़ है 80 सेंटीमीटर का, ये डबल हो रखा है, और आप देखो इसी तरह का सीक्वेंस वर्क में है, तो अच्छे से आपका ब्लाउज़ बन जाएगा, क्लॉथ भी जॉर्जेट है, काफ़ी अच्छी साड़ी है, हाईली रिकमेंड है, अगर आपको पसंद आए तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही प्यारी साड़ी है। नेक्स्ट साड़ी की मैं बात करूँ, थोड़ी सिंपल में है, बट बहुत प्यारी लग रही थी, अब देखेंगे कि रिसीव किस तरह की हुई है, ये मुझे पर्सनली बहुत प्यारी लगी थी, जैसे सिंपल में कभी नॉर्मल फंक्शन में भी हमें जाना पड़ता था, थोड़ी सिंपल साड़ी हमें पहननी होती है, तो ये साड़ी जो है कुछ इस तरह की है, ऑरेंज कलर की प्लेन साड़ी है, और इस पर जो है इस तरह का प्रिंटेड ब्लाउज़ है ये, तो साड़ी जो है कुछ इस तरह की है, ये जो पूरी साड़ी जो है इसका क्लॉथ मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा चिकना सा क्लॉथ है, जो बहुत ज़्यादा चिकना क्लॉथ होता है ना वो वाला है, साड़ी थोड़ी फिसलने वाली है मतलब ये, तो बाकी साड़ी पे इस तरह से ओवरऑल साड़ी इसी तरह की मिलेगी, साड़ी पे जो है बॉर्डर लगा हुआ है ये, आप देखो इस तरह का जो है ये बॉर्डर लगा हुआ है, कुछ इस तरह की लेस, ये पूरी ओवरऑल साड़ी पे इस तरह की लेस मिल जाएगी पूरी ही साड़ी पे, और बीच बीच में पूरी साड़ी पे इस तरह की मोती लगे हुए हैं, जो अंदर से स्टिच होते हैं जो निकलने वाले नहीं होते वो मोती लगे हुए हैं ऑरेंज ही कलर के, तो ओवरऑल साड़ी इसी तरह की प्लेन साड़ी है, इस पर कुछ भी नहीं है, क्लॉथ मुझे इसका समझ नहीं आ रहा, चिकना सा क्लॉथ है, बहुत फिसलने वाला जो क्लॉथ होता है ना चिकना वाला वो है, ऑरेंज कलर है क्लॉथ, मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया इसका, बस लुक वाइज साड़ी बहुत अच्छी है, ब्लाउज़ बनने के बाद बहुत प्यारी लगेगी, तो ये बॉर्डर है एंड पूरी साड़ी पे इस तरह से वो है जो ये मोती लगे हुए होते हैं, तो साड़ी इस तरह की है, सिंपल साड़ी है। अब इसकी ब्लाउज़ की तरफ हम बढ़ते हैं, तो ब्लाउज़ है कुछ इस तरह का,
ब्लाउज़ का कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है साड़ी के अकॉर्डिंग। तो ब्लाउज़ है ये जो है ब्लू कलर में और इस तरह का डिज़ाइनिंग में ब्लाउज़ है, प्लेन साड़ी है, ये रहा। इस तरह का ब्लाउज से बनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, साड़ी का लुक बहुत अच्छा आएगा, लुक वाइज साड़ी अच्छी लगने वाली है। और ये बॉर्डर दिया हुआ है जिसको आप बैक पे लगवा सकते हो या स्लीव्स पे लगवा सकते हो। और ये जो ब्लाउज़ का पीस है वो 80 सेंटीमीटर का है जिससे आपका ब्लाउज़ अच्छे से बन जाएगा। तो ये साड़ी भी अगर आपको पसंद आती है, कम रेंज में और लुक वाइज अच्छी लगने वाली साड़ी आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो ये था आज का हमारा हॉल, आई होप कि ये हॉल आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इनमें से आपको क्या अच्छा लगा है, क्या पसंद आया है, कौन सी साड़ी पसंद आई है, किस तरह की हॉल्स आगे आप देखना चाहते हो, किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हो एंड कौन से प्रोडक्ट मतलब साड़ी सूट जो भी आप देखना चाहते हो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी है ये मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी आपसे एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।